बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी। आधे से ज्यादा पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा आबादी। बिहार सरकार ने जातीय गणना पर अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। बिहार सरकार में मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने इसे लेकर किताब जारी की। बिहार में जाति आधारित गणना में कुल आबादी 13,07,25,310 बताई गई। बिहार सरकार की जारी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और सामान्य वर्ग 15.52% है। आज हम रिलीज कर रहे हैं कि हमने एक एक एक्सरसाइज किया और ये एक्सरसाइज एक साल के अवधि में बहुत त्वरित गति से हुआ और इसका उद्देश्य तो आप समझ रहे हैं कि इसका सोशियो इकोनॉमिक और बाकी जो फैक्टर्स हैं उनका एक एनालिसिस करके ये डेमोक्रेटिक जो हमारी व्यवस्था है उस पर डिपेंड करेगा कि हम इस डेटा को कैसे सदुपयोग करें और कैसे लार्जर एंड तक हम पहुंचाएं। मतलब बिहार में आधे से ज्यादा आबादी पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा की है, जबकि बिहार की आबादी में करीब 82% हिंदू और 17.7% मुसलमान है। बिहार सरकार की जारी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में यादव समुदाय की आबादी 14.26%, ब्राह्मण समुदाय की आबादी 3.86%, राजपूत समुदाय की आबादी 3.45%, भूमिहार समुदाय की आबादी 2.86%, कुर्मी समुदाय की आबादी 2.81%, मल्लाह समुदाय की आबादी 2.6% और मुसर समुदाय की आबादी 3%। स्टैटिस्टिक्स ये फाइनल वर्ड नहीं है, अभी तो ये स्टेज वन है जहां आपके पास आंकड़े आ गए। ये आंकड़ा सुलभ करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज, तो टारगेट ओरिएंटेशन करना है। अगर आपको वल्नरेबल ग्रुप्स को कवर करना है तो जितना आपके पास स्टैटिस्टिक्स होगा उतना आप बेहतर महसूस करेंगे अपनी डिलीवरी में। बिहार में दो फेज में जातीय जनगणना हुई थी, इसे लेकर कई बार मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। पहले फेज में 7 से 21 जनवरी को मकानों की गिनती हुई, दूसरे फेज में 15 अप्रैल को परिवार की संख्या जुटाई गई। 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर रोक लगा दी। 21 अप्रैल को जातीय गणना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और SC ने हाईकोर्ट में अपील के आदेश दिए। 1 अगस्त को हाईकोर्ट ने जातीय गणना के खिलाफ सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया। बिहार में जातीय गणना जारी होने के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। नीतीश सरकार ने इसे बिहार के विकास के लिए जरूरी बताया, तो वहीं BJP सियासी स्टंट बता रही है।